क्या पता थी. सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे आपको. आपका कौन सा बर्थडे है आपका? ये मेरा 12th बर्थडे है. आज का दिन मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल है क्योंकि आज मैंने सभी के साथ, मीडिया वालों के साथ और जो भी मेरे किरदार हैं शनिदेव में, उनके साथ मैंने केक काटा है. तो आज का दिन मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल है और आज के दिन मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ. और ये जो आपके दोस्त हैं, किस अंदाज में विश किया आपने अपने दोस्त को? मैंने विश तो पहले कर चुका हूँ लेकिन आपके सामने कर देता हूँ. कैसे? बस अपने छोटे मोटे गोल मटोल काकोल की तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू. थैंक यू. और आप अपनी शनि कैरेक्टर के बारे में बताइए, किस तरह का किरदार है? शनि का जो कैरेक्टर है वो सूर्यदेव के पुत्र थे. उनका एक ही वीकनेस थी, उनकी माता. वो अपनी माता को प्रोटेक्शन देने के लिए बहुत ही चिंतित रहते थे. प्रोटेक्शन हाँ. और उनमें ये खूबी थी कि वो अच्छे और बुरे में जजमेंट कर लेते थे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है. और वो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते थे. और जो लोग बोलते हैं कि 7.5 लग जाएगी शनिदेव की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यही इस सीरियल में दिखाया जाएगा कि शनिदेव अच्छों के साथ अच्छा ही करता है और बुरों के साथ बुरा. आपने करते थे ना? मैं अपने शनि में क्या किरदार है? मेरा शनि में किरदार है एक ह्यूमन रेवन का, जिस पर पावर्स है वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता है इनटू अ रेवन. सो ही इज अ ह्यूमन रेवन. और वो डेवोटेड है शनि को बहुत ज्यादा क्योंकि उसने उसके लाइफ बचाई थी एक डेमोन डमनाथ से. तो तब से काकोल उसके पीछे पड़ जाता है कि मेरा दोस्त बनो. लेकिन शनि मना कर देता है. फिर एक टाइम पे आकर वो बोल देता है कि चल मैं तेरी विश मान लेता हूँ. फिर क्या होता है, फिर हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं. तो काकुल चाहता है कि शनि अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहे. जब शनि खुश होता है तो काकुल बहुत ज्यादा खुश होता है, उससे भी ज्यादा. लेकिन जब शनि दुखी होता है तो काकुल उससे भी ज्यादा दुखी हो जाता है. तो उसकी फैमिली, उसका भाई, उसका बहन, उसका दोस्त, उसकी दुनिया, उसका सब कुछ सिर्फ शनि है. और वो अपनी इनोसेंस, मतलब सब कुछ शनि है. हाँ, और यहाँ तक कि दादाजी भी शनि है, और यहाँ तक कि दादी जी भी और पापा मम्मी भी, सब कुछ हाँ, इसका शनि है. हाँ, तो यही इंटरेस्टिंग स्टोरी हमारी दोस्ती के बारे में बताई जाएगी. तो जो शनि में आपकी फ्रेंडशिप है, क्या वो रियल लाइफ में भी उतनी अच्छी फ्रेंडशिप yeah. है? जी यस. कैसे कैसे? डेफिनेटली. जैसे हम लोग बहुत सारी मस्तियाँ करते हैं सेट पे, सब लोग परेशान हो जाते हैं. हम लोग कैमरा को ले लेते हैं और फिर कैमरा के साथ खेलते हैं. बोलते हैं कि हम मिठाई देनी पड़ेगी तो हम लोग भाग के कोने में बैठ जाते हैं. सभी लोग परेशान हो जाते हैं हमारे. हम जब एक दिन सेट पे होते हैं ना तो सब लोग परेशान हो जाते हैं. और हमें शूट करने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है. आप लोग अपना कैरेक्टर कितना एंजॉय करते हैं? हम लोग अपना कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हमें देख कर ही हमारे रोल्स को चुना गया है. बहुत ही अच्छी कास्टिंग की गई है कि जो शनि है, मैं शनि की तरह ही सोचता हूँ. मुझे शनिदेव बहुत ही फेवरेट है. और ये महाशय ने भी अपना कैरेक्टर पकड़ रखा है. जैसे कौ हमेशा काव काव करता रहता है, वैसे ये हमेशा बक बक करते रहता है. आपको इतना अच्छा अटायर मिला है शनि में, उसके बारे में आपको क्या कहना है? ये मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि हर जगह मेरे होल्डिंग्स लगे हुए हैं बॉम्बे में हर जगह. तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि जब मैं अपने होल्डिंग्स को देखता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है. आपको कैसे फील होता है? मुझे भी वही फील होता है अपने भाई के और दोस्त के, दोनों के होर्डिंग्स देखकर. और इतने शानदार होर्डिंग्स हैं. तो सेम टू सेम बहुत ही अच्छे होर्डिंग्स बनाना. अच्छा, ये तो भगवान तो मेरे सारे फेवरेट हैं, पर शनिदेव मेरे बचपन से ही बहुत फेवरेट रहे हैं. उनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ. मेरी मम्मी ने मुझे शनि के बारे में बताया है. मैं रोल करने से पहले भी जानता था, पर जब से मुझे ये रोल ऑफर हुआ है तब से मैं बहुत सारी चीज़ें शनि के बारे में जान चुका हूँ. आपकी फैमिली वाले कितना खुश है कि आप एक सीरियल में काम कर रहे हैं, वो भी एक भगवान का रोल प्ले कर रहे हैं? तो आपके फैमिली वाले कितने खुश हैं? जी मेरे फैमिली वाले बहुत ही खुश है, बहुत ही सपोर्टिव है. और जो भी आज मैं यहाँ लीड में हूँ वो सिर्फ मेरी मम्मी के कारण. अच्छा,
जोड़ते तो नहीं है, तोड़ते आप कुछ व्यूअर्स को बताना चाहेंगे अब जी के बारे में? 9th-7th of November को ये आपका शो आ रहा है, क्या कहना चाहिए अपने चाहने वालों को, हड्डियाँ जिनकी तोड़ी है उनके लिए? नहीं, हड्डियाँ हमने किसी की नहीं तोड़ी है, बस एक दूसरे की तोड़ी है। पर मैं व्यूवर्स से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस शो को देखिए, आपको बहुत सारा नॉलेज जानने, हाँ बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। शनिदेव एक ऐसे भगवान है जिनका बारे में आज तक किसी को पता ही नहीं है, तो ये चीज़ आपको जानने को मिलेगी। तो प्लीज़ देखिएगा 7 नवम्बर से, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ कलश पर।